हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज के नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से नई टॉपिक पढ़ेंगे। आज की वीडियो में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव पर। उसके बाद आज की वीडियो में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आरहेनियस समीकरण पर, लेकिन आरहेनियस समीकरण से संबंधित जो चर्चा होगी हमारी वो बस बेसिक लेवल पर होगी। आरहेनियस समीकरण की डिटेल में चर्चा हम करेंगे अगली वीडियो में, तो यदि इस वीडियो को आप देखे रहेंगे तो अगली वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको अगली वीडियो में या इस वीडियो में या इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वेग स्थिरांक पर ताप के प्रभाव की। तो वेग स्थिरांक के बारे में काफ़ी कुछ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो एक नियतांक होता है, जो अभिक्रियक की सांद्रता परिवर्तन और समय से प्रभावित नहीं होता है, परंतु ताप परिवर्तन से प्रभावित होता है। अर्थात अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है उसका मान अभिक्रियक की सांद्रता परिवर्तन से भी नहीं परिवर्तित होता है, या फिर समय परिवर्तन के अनुसार भी वेग स्थिरांक का मान परिवर्तित नहीं होता है। परंतु जब अभिक्रिया के ताप में परिवर्तन किया जाता है तो वेग स्थिरांक का मान परिवर्तित होता है। और यह परिवर्तन किस प्रकार का होता है तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं तो वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ता है। अनेक प्रयोगों द्वारा यह प्राप्त किया गया है कि जब हम अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक लगभग 2 गुना हो जाता है। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि करने पर वेग स्थिरांक का मान लगभग 2 गुना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा लगभग 2 गुना में, कोई जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से 2 गुना हो जाए, लेकिन लगभग 2 गुना हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वेग स्थिरांक के मान के बढ़ जाने से हमको उसका यूज क्या करना है या उसका महत्व क्या है हमारे लिए, तो इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक सामान्य अभिक्रिया मान लेते हैं जिसमें आर अभिक्रियक है जिससे प्रोडक्ट यानी उत्पाद का निर्माण हो रहा है। हम इस अभिक्रिया पर कुछ प्रायोगिक अध्ययन करते हैं और हम मान लेते हैं कि जब प्रायोगिक अध्ययन द्वारा हम इसका दर नियम लिखने की कोशिश करते हैं तो इसका दर नियम हमको प्राप्त होता है अभिक्रिया की दर बराबर के आर यानी अभिक्रियक की सांद्रता का घात 1। और आप जानते हैं सांद्रता का घात 1 हो तो 1 घात लिखना आवश्यक नहीं होता है। अब यदि इस दर नियम में हम अभिक्रियक की सांद्रता को स्थिर मान लें या इस अभिक्रिया में अभिक्रियक की सांद्रता में परिवर्तन न करें तो अभिक्रियक की सांद्रता हो जाएगी कांस्टेंट, और इस अवस्था में हम लिखेंगे अभिक्रिया की दर समानुपाती के। और के है क्या यहाँ पर, तो के बारे में आप जानते हैं, के होता है अभिक्रिया का वेग स्थिर। यानी यदि अभिक्रियक की सांद्रता में परिवर्तन न किया जाए तो जो अभिक्रिया की दर होगी वो वेग स्थिरांक के समानुपाती हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि जब वेग स्थिरांक का मान ज़्यादा होगा तो अभिक्रिया की दर भी अधिक होगी, और जब वेग स्थिरांक का मान कम होगा तो अभिक्रिया की दर भी कम होगी। आप जानते हैं कि वेग स्थिरांक का कोई अलग से महत्व तो हमारे लिए नहीं है इसके मान का, लेकिन अभिक्रिया की दर का विशेष महत्व है हमारे लिए, क्योंकि अभिक्रिया द्वारा या अभिक्रियाओं द्वारा हम अनेक प्रकार के औद्योगिक उत्पाद प्राप्त करते हैं, तो हम चाहते हैं कि अभिक्रिया की दर अधिक हो। तो के का अध्ययन हम इसलिए कर रहे हैं के मान का, कि के का मान जब अधिक होगा तो अभिक्रिया की दर भी अधिक होगी। अब के पर यानी कि वेग स्थिरांक पर जो ताप परिवर्तन का प्रभाव है उसका सही अध्ययन या विस्तृत अध्ययन एक वैज्ञानिक ने किया जिनका नाम था आरहेनियस। और आरहेनियस ने अपने अध्ययन से वेग स्थिरांक तथा ताप के मध्य जो संबंध ज्ञात किया उसको एक समीकरण द्वारा व्यक्त किया, और इस समीकरण को हम कहते हैं आरहेनियस समीकरण। और आरहेनियस समीकरण यदि हम लिखें तो आरहेनियस समीकरण होता है के बराबर ए इंटू ई का पावर माइनस ई ए अपान आर टी। यहाँ पर के क्या है, तो के है वेग स्थिरांक, के क्या है तो आरहेनियस नियतांक कहते हैं, या इसको हम कहते हैं पूर्व चर घातांकी गुणक, ई ए होता है सक्रियण ऊर्जा, आर होता है गैस नियतांक, और टी होता है तापक्रम केल्विन में।
अब यदि समीकरण में हम देखें तो समीकरण में जो ए है यह एक नियतांक है, तो यदि इसको हम हटाएं तो हम लिख सकते हैं के समानुपाती ई का पावर माइनस ई ए अपान आर टी। अब इस समीकरण से आप सोच सकते हैं कि यदि टी का मान में वृद्धि किया जाए, टी के मान में यानी कि ताप के मान में वृद्धि किया जाएगा तो ई ए अपान आर टी का मान घटेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे टी जो है वो इसका हर है और जब हर के मान में वृद्धि होती है तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो घट जाएगी। लेकिन इसका उल्टा है माइनस ई ए अपान आर टी, तो हम कह सकते हैं कि यदि ई ए अपान आर टी का मान घट रहा है तो माइनस ई ए अपान आर टी का मान बढ़ेगा, और यदि माइनस ई ए अपान आर टी का मान बढ़ेगा तो यानी ई पर पावर बढ़ेगा, और यदि ई पर पावर बढ़ेगा तो यानी कि ई का मान बढ़ेगा, और आप जानते हैं कि समानुपाती का अर्थ है यदि ई का मान बढ़ेगा तो के का मान बढ़ेगा, तो ई का मान बढ़ेगा तो के यानी कि वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ेगा। तो इस आधार पर आरेनियस ने एक समीकरण द्वारा बताया कि जब हम अभिक्रिया का ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा, और आरेनियस समीकरण का जो ये आरेनियस समीकरण है इसका यूज करें हम, तो इसको यूज करके हम एग्जैक्ट मान कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ताप में वृद्धि करेंगे तो वेग स्थिरांक में कितनी वृद्धि होगी। और जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर जो वेग स्थिरांक का मान होगा वो लगभग दोगुना हो जाता है, तो यहाँ पे लगभग नहीं बल्कि हमको वास्तविक मान प्राप्त हो सकता है आरेनियस समीकरण से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो से आपको कुछ लाभ जरूर होगा। तो वीडियो यदि आपको लाभदायक लगे, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो से संबंधित आपका कोई भी थॉट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तो अगली वीडियो की जो हमारी टॉपिक है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आरेनियस समीकरण की हम डिटेल चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।